अनपढ़ की बेटी, माँ क्या मुझे हक नहीं है कि मैं भी पढ़ सकूँ? अरे बिटिया, क्या गरीबन का भी कोई हक होते पड़ेगा, आगे बढ़ेगा? तुम्हारे को खाना खाना हो तो खा, वरना भूखी रहे, सारा दिन भूखी रहेगी, तेरी पढ़ाई का बोझ आप पे आप उतर जाएगा। क्या बात है रिंकी की अम्मा, क्यों डांट रही हो रिंकी को? आजकल बड़ा उदास भी रहती हो, कोई बात है क्या? क्या बताऊं बहन, मुनिया ने तो जिद पकड़ रखी है, स्कूल जाएगी, पढ़ाई करेगी, और हमारे यहाँ तो दो वक्त की रोटी का जुगाड़ भी बड़ी मुश्किल से होता है, और ऐसे में स्कूल का खर्च कौन उठाएगा? बस कितनी सी बात, अरे बहन मुझे आदमी मिल गया है, इसमें करा दे अपनी रिंकिया का दाखिला, ये तो एकदम मुफ्त है। अरे नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ाई भी होते हैं, वो तो दस तेरह होते। अरे नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, पता है इसके मास्टर और मास्टरमाइंड कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी सारी बुक्स देखकर मास्टर मास्टरमाइंड बने हैं, और इतने नए नए तरीके से पढ़ाते हैं, और पता है दीवार पर बिना दिखाकर भी पढ़ाते हैं, क्या नाम बता रही थी हमारे पिता डॉक्टर, नहीं नहीं प्रॉक्टर, अरे नहीं कुछ प्रोजेक्टर, अरे हाँ प्रोजेक्टर याद आया, प्रोजेक्टर क्लास, और तो और वहाँ तो बच्चों को पहनने के लिए कपड़े, जूते, स्वेटर ये सब सरकार देती है, साथ ही साथ खाना भी देती है, और तो और बच्चों को दूध व फल भी मुहैया कराए जाते हैं। कहाँ बहन, कहाँ गलत हो, हमने तो सुना है सरकारी स्कूल की तो छत से बकती है, और वहाँ की हालत तो बहुत ही खराब है। अरे बहन ये सब अखबार है, अब जाकर देखो जरा स्कूल को, चारों तरफ पेड़ पौधे, पीने के लिए साफ पानी, बच्चों के लिए स्वच्छ शौचालय व खेलने के लिए मैदान भी है, इतने बड़ी बड़ी